तुम्हारा होशियारपुर जाने का टाइम आ गया है। ओ पैंट जी, इस घर की और इस शहर की हवा मुझे बड़ी रास आई है। अब तुम्हारे इस घर से जाने का टाइम आ गया। दीदी, आपको नहीं पता, इस औरत ने हमारे ध्रुव को मारने की कोशिश की। उसके हवाई जहाज में ना बम इसी घटी औरत ने रखवाया था। हाँ दीदी, आप पूछ लो, निहारिका और वेदिका भी इस बात को जानती हैं। वेदिका, दीदी जो कह रही है क्या वो सच है? तुम बोलती क्यों नहीं वेदिका? जी मम्मी जी। एक डायन भी चार घर छोड़ देती है तो उससे भी बदतर है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? अरे मैंने तुम्हें अपने घर में, अपनी जिंदगी में जगह दी। तुम्हारे लिए मैं अपने सुहाग का बंटवारा करने को तैयार थी और तुम एक मां की गोद से उसके बच्चा छीनना चाहती हो? अरे तुम भी एक मां हो। ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? छी, मां नाम के शब्द पे एक कलंक हो तुम। ममता के नाम पे एक बदनुमा दाग। दीदी, क्यों टाइम पास कर रहे हो आप? क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो इस औरत पर? ये तो गाली देने के लायक भी नहीं है। दफा जाइए यहाँ से। चल, उठाता ये टेंट पर है, निकल यहाँ से। अंतरिक्ष, ये सब लोग तुम्हारी माँ का अपमान किए जा रहे हैं और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। ये औरत तुम्हारी माँ को थप्पड़ लगाए जा रही है और तुम चुपचाप खड़े हो। कैसे बेटे हो तुम? आज मेरे पास आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आज के बाद मैं आपको कभी माँ नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने माँ कहलाने का हक खो दिया। रुद्र, तुम्हारे दिल में अपनी इस मां के लिए इज्जत है ना? तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? जब इंसान की बंद आंखें खुल जाती है ना, तो उसे सच और झूठ का फर्क नजर आने लगता है। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैंने आपकी कोख से जन्म लिया, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि कविता माँ ने मेरी परवरिश की। आपकी गुनाहों की सजा सिर्फ आपको नहीं मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। अब हम साथ नहीं रहेंगे। आज के बाद इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। Namaste, 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 nam
यही मेरा छोटा सा संसार है, मेरा छोटा सा परिवार। और मेरी खुशियों के इस आसमान में मेरे बच्चे चमकते हुए चांद और सितारे हैं। इनसे ही मेरी खुशियों की बगिया महकती है। बस अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। अंजलि, ये प्रसाद जैसा आपने समझाया था हमने वैसे ही बनाया है। ये पंजीरी है और ये चरणामृत। अरे नैना, कब आई? जी हम तो कल रात को ही आ गए। अरे रात को ही बरेली से आई और सुबह ही पूजा का काम करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं आंटी जी, हमें तो काम करने की आदत ही है। फिर भी नैना, रात को आई हो तो आराम करती ना। आंटी जी हम देर रात तक सो ही नहीं सकते, हमारे यहाँ तो सब 5 बजे उठ जाते हैं। नैना जब भी तुम हम कहती हो ना तो ऐसा लगता है पता नहीं तुम कितने लोगों के बारे में बात। नैना अब यहाँ आ गई है ना तो यहाँ की भाषा और यहाँ के तौर तरीके सीख जाएगी, बदल जाएगी, है ना नैना? नहीं नैना, तुम बिल्कुल मत बदलना। आंखों को तुम्हारी ये नजाकत और कानों को तुम्हारा ये हम कहना बहुत अच्छा लगता है। देखो माँ कैसे शर्म आ गई है। काजल बड़ी प्यारी है तुम्हारी बहन, सुबह से हमारी पूजा की तैयारी में लगी हुई है। वैसे दोनों ही बहनें बहुत सुशील और बहुत शांत हैं। वेदिका ध्रुव, तुम टाई बांधना कब सीखोगे? ध्रुव मैं सब जानती हूँ, मैं जानती हूँ तुम्हें टाई बांधने आती है लेकिन तुम बांधना ही नहीं चाहती, राइट? ये लो बन गई तुम्हारी टाई। ये टाई कितनी अच्छी चीज होती है, बीवी को नजदीक ले आती है। ध्रुव ये बेईमानी नहीं चलेगी, ओके? तुम जो चाहते हो ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ, पास बुलाने का ये कौन सा नया तरीका? तो आप ही सिखा दीजिए ना तरीका। ध्रुव जब भी तुम चाहोगे ना कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तो बस अपनी निगाहों से इशारे कर देना, मैं तुम्हारी नजरें पढ़ लूंगी। जब भी तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं बस एक बार मुझे प्यार से देख लेना, मैं तुम्हारे पास खींची चली आऊंगी। वक्त और हालात ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ध्रुव वो सारे खोए हुए पल तुम्हें वापस लौटा देगा, वो सारी खुशियां तुम्हारी झोली में डाल दूंगा मैं। ध्रुव मुझे तुम मिल गए हो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। बस मुझे छोटा सा ध्रुव चाहिए। बस एक? मुझे लगा था कि 10। नो ध्रुव। क्यों? कम है? पता नहीं। देखना वेदिका, बहुत जल्द हमारे घर पर बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक तो होना ही पड़ेगा, राइट? इस गुलाम के लिए और कुछ काम? कुछ नहीं। हेलो डॉक्टर। हेलो वेदिका, नाउ टेल मी द प्रॉब्लम। डॉक्टर पता नहीं अजीब सी फीलिंग होती है, चक्कर आते हैं और फिर कुछ ही देर बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। मुझे नींद ठीक से नहीं आती, बहुत ही डिस्टर्ब स्लीप रहती है, बार बार आंखें खुल जाती हैं। डॉक्टर पिछले कुछ वक्त से वेदिका एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी जिसकी वजह से इसे कुछ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन और इंजेक्शन दिए गए थे, हो सकता उनका साइड इफेक्ट हो। डॉक्टर
हम अपनी फैमिली शुरू करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ मदर। वाई नॉट? पर देखो वेदिका, सब कुछ रूल आउट करने के लिए मैं तुम्हारे कुछ टेस्ट कराना चाहती हूँ। ये लो, ये कुछ टेस्ट लिख दिए मैंने, इनको करवा लेना और इनकी रिपोर्ट मुझे दिखा देना। ओके डॉक्टर। हेलो। हाय ध्रुव, मैं अलीशा बोल रही हूँ। अलीशा, मैं बस तुम्हें फोन करने ही वाला था। बताओ कैसे याद किया? ध्रुव, मैं कल सुबह की फ्लाइट से हांगकांग वापस जा रही हूँ। इतनी जल्दी? कुछ दिनों के लिए रुक जाती ना ध्रुव, आज नहीं तो कल मुझे तो वापस जाना ही है ना। अलीशा, फिर इंडिया वापस कब आओगी? पता नहीं ध्रुव, इंडिया वापस आने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। वैसे भी मैं सोच रही थी कि हांगकांग में रहकर दोबारा से एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? 11 बजे। ध्रुव, बाय एंड यू टेक केयर। वेदिका को भी मेरी तरफ से बाय कहना। कह दूंगा। अलीशा, एक बात कहो, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। थैंक यू सो मच। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम बाय, टेक केयर। बाय अलीशा। ध्रुव, किससे बातें कर रहे थे? अलीशा का फोन था, वो कल वापस जा रही है हांगकांग। वापस जा रही है? हाँ, कल सुबह 11 बजे की फ्लाइट है उसकी। मैं सोच रहा हूँ कि पर्सनली उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने चला जाऊँ। हाँ ध्रुव, तुम्हें जाना चाहिए। अच्छा, जाओगे ना तो अलीशा को मेरी तरफ से बाय कह देना। ओके? कह दूंगा। मैंने सुना मेरा दोस्त हांगकांग वापस जा रहा है, तो मिलने आ गया, गुड बाय कहने आ गया। और जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो फोन पर गुड बाय नहीं कहते, पर्सनली मिलने आते हैं। चले। ये लो तुम्हारी तस्वीर, अब इस पर मेरा कोई हक नहीं है। कम से कम तुम अपने दोस्त को इतना हक तो दे सकती हो ना कि वो तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने चले। अलीशा, मैं मानता हूं कि अनजाने में ही सही, लेकिन हमारे बीच एक बहुत ही नजदीकी रिश्ता, एक बहुत ही नजदीकी रिश्ता बन गया है। और ऐसे रिश्ते तो सिर्फ सपनों में बनते हैं, जो नींद खुलते ही टूट जाते हैं। लेकिन अलीशा, हमारे बीच एक और रिश्ता जुड़ा है, और वो है दोस्ती का। हम वो रिश्ता तुम निभा सकते हैं। कभी कहीं भी अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें किसी की जरूरत है, तो अपने इस दोस्त को मत भूलना।
मैं कभी नहीं भूलूंगी ध्रुव। मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए सारे पल उनको कभी नहीं भूल सकती। लीशा, अगर मेरे वजह से तुम्हें कभी शर्मिंदगी महसूस। अलीशा, 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 तो ठीक थी तो ये अचानक क्या हो गया? अलीशा, आर यू ऑल राइट? अलीशा, ये अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? पता नहीं, पिछले एक हफ्ते से वॉमिटिंग हो रही है। एक हफ्ते से? डॉक्टर प्रधान प्लीज। डॉक्टर अलीशा, पिछले 4-5 दिनों से इन्हें चक्कर आ रहे हैं और उल्टियां भी हो रही हैं। डोंट वरी, चेकअप कर लेते हैं। कम अलीशा। डॉक्टर, ये रही वेदिका की रिपोर्ट्स। आई एम सॉरी वेदिका, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। Congratulations, your wife is pregnant. Doctor, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। आप please मेरी रिपोर्ट फिर से चेक करें। ये नहीं हो सकता। मैं वही कह रही हूँ जो मेरे सामने सच है। तुम कभी मां नहीं बन सकती। तुम कभी मां नहीं बन सकती। तुम कभी मां नहीं बन सकती। वेदिका को कैसे बताऊं? मैं ध्रुव को कैसे बताऊं?